के साथ, तो उस मामले में भी इसकी संलिप्तता रही थी। और जो लूटपाट करके जो पैसा उसको मिला था उसके द्वारा मोटरसाइकिल खरीदा गया था, जिसको भी बरामद किया गया है। साथ गोलागत नहीं समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए, पुलिस 5 गो अपराधी के कैलस गिरफ्तार। 4 गो बाइक समेत, 1 गो देसी पिस्तौल, 1 गो जिंदा कारतूस मोबाइल समेत, 5 गो फर्जी सिम भी पुलिस कैलस बरामद। रोहतास एसपी के लगातार उद्भेदन दर उद्भेदन हो रहा बटुए। यही क्रम में रोहतास एसपी एगो और बड़ मामला के उद्भेदन कैले बानी, जौना में फर्जी तरीका से सिम निकालल गई बटुए, बंदूक मिलल बटुए, गोली मिलल बटुए, का मिलल बा सब एसपी साहेब के मुँह भोजपुरिया समाचार बयान सुनाई। बस खबर के अंत तक बनल रही, चैनल पर नया बानी तभी सब्सक्राइब कर ली। खबर का बा विस्तार से जानी। रोहतास पुलिस मंगर के 5 गो अपराधी के गिरफ्तार कर ली हल, जहाँ पकड़ल गई आरोपी के भीड़ से 4 गो मोटरसाइकिल, 1 गो देसी पिस्तौल, 1 गो जिंदा कारतूस के साथ, 1 गो मोबाइल और 5 गो फर्जी सिम पुलिस बरामद कैले बिया। यह मामला के जानकारी देत रोहतास एसपी आशीष भारती बतैनी कि पुलिस के द्वारा चलावल जा रहा अपराध कर्मी के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान के तहत आरोपी लोग के काराकार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर गई बा, जहाँ 5 आरोपी कोनो बड़ घटना के फिराक में रहन, जहाँ पुलिस के पूछताछ के दौरान कई गो राज उगल ले बा लोग, जौना में काराकार थाना क्षेत्र के गोराड़ी बाजार में स्थित गहना दुकान में भई लूटकांड में भी शामिल रहन। ऐसन में आरोपी के खिलाफ अनेक धारा में आरोप तय करके जेल भेजे के तैयारी भी शुरू कर दिया गई बटुए। जैसन कि रोहतास एसपी के कहना बटुए, यानी कि लगातार उद्भेदन और दर उद्भेदन रोहतास पुलिस के द्वारा कई जा रहा बटुए। यही कड़ी में ही उद्भेदन भइल बटुए, कहल गई बटुए कि कतनों अपराधी दिमाग लगा ली हैं, पुलिस अगर चाही तो निमन निमन लोग के ठेठवा दी। यही क्रम में ही नया नया नौछटियन के पुलिस ठेठवा देले बिया आ ललकी कोठरी में ढुका देले बिया। भोजपुरिया समाचार अभी एसपी साहेब के बयान सुनाई। चैनल पर नया बानी तो अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करी। सुनी एसपी साहेब का कहानी। रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, खास करके वैसे अपराधकर्मी जो गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि एक अपराधी अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के कुछ अपराधी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए काराकाट थानाध्यक्ष तथा विशेष टीम को वहाँ पर भेजा गया, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसका नाम है बिकलेश कुमार चौधरी उर्फ मिथिलेश चौधरी, जो कि रहने वाला दरहेट का है। और इससे जब इसके पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इसके पास पे 5 सिम बरामद किए गए हैं जो फर्जी सिम है, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हैं, और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इससे जब अग्रतर पूछताछ की गई तो यह जानकारी मिली है कि काराकाट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह एक आभूषण दुकान में जो लूटपाट की घटना कारित की गई थी उसमें ये शामिल था अपने अन्य सहयोगियों के साथ, तो उस मामले में भी इसकी संलिप्तता रही थी। और जो लूटपाट करके जो पैसा उसको मिला था उसके द्वारा मोटरसाइकिल खरीदा गया था, जिसको भी बरामद किया गया है। साथ में उसके द्वारा बताया गया है कि अन्य जो कई मामले हैं, जिसमें संझौली थाना क्षेत्र काराकाट थाना क्षेत्र का जो मामला है आर्म्स एक्ट का मामला है, दूसरा दरियट थाना क्षेत्र का जो कि खनिज अवैध खनन से संबंधित मामला है, तथा तीसरा कैमूर कुर्नी थाना क्षेत्र का है, जिसमें भी जो पैसे की छिनतई हुआ था उसे उसके संबंध में उन सभी मामलों में भी ये शामिल रहा है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि उस मामलों में जो अन्य अपराधकर्मी शामिल हैं उनके बारे में भी बताया गया है, जिनकी भी गिरफ्तारी
के लिए लगातार प्रयास जारी है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से एक घटना को, आपराधिक घटना को अंजाम देने से पूर्व ही अपराधी की गिरफ्तारी की गई है तथा पूर्व के जो कई कांडों में जिसमें शामिल रहा है उसका उद्भेदन भी किया गया है। इसके अलावा काराकाट थाना क्षेत्र में ही यह जानकारी मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी चोरी के मोटरसाइकिल का व्यापार कर रहे हैं और मोटरसाइकिल चोरी करके उसको अवैध रूप से खरीद बिक्री करते हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मिश्र वलिया स्थित मंदिर के पास एक घर में छापेमारी किया गया तो चार व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मिथिलेश कुमार, रवि कुमार, गोविंदा कुमार।